कल शाम को शूट ना कर पाने की वजह से आज दोपहर को फिर से हम विशाला रेस्टोरेंट आए विचार यूटेंसिल्स म्यूजियम देखने। Hey guys, good afternoon. आज हमारा अहमदाबाद का सेकेंड डे है और इस वक्त हम जहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग कल भी आए थे, दिस इज़ ऑल्सो अ म्यूज़ियम, विंटेज कार के म्यूज़ियम में हम फर्स्ट गए थे और अभी हम लोग आए हैं विचार म्यूज़ियम में, जो कि डेडिकेट करता है एक ट्रेडिशनल लाइफ, जो पहले के ज़माने में लोग जिस तरीके से रहते थे, मड़ का घर हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था, देन मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उनके पास, ब्रास के बर्तन, पीतल के बर्तन हुआ करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। ये एक रेस्टोरेंट है और उसके जो ओनर है कि 1981 में उन्होंने ये जो रेस्टोरेंट है ये ओपन किया था, फिर ओपन करने के बाद आफ्टर 3 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम भी बनाया। कल हम लोग शाम को यहाँ पे आए थे और जब हम लोग एक कलेक्शन में अंदर पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसका वीडियो होना तो बनता है, सो आई होप यू विल लाइक इट, लेट्स गेट इनसाइड। इस म्यूज़ियम कम रेस्टोरेंट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमें सामने नज़र आते हैं गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे बना हुआ और फिर यहाँ से एंट्री है और ये पूरा रास्ता बना हुआ है अंदर जाने के लिए। कल हम लोग शाम को जब आए थे तब यहाँ पे ये जितने भी ईंटें आपको दिख रही है ना, यहाँ पे पूरे कंदील रखे हुए थे क्योंकि वो रात का समय था तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर था। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने कल एक छोटा सा दिया बनाया था। यहाँ से आप ये चीज़ें जो है वो ख़रीद भी सकते हो। दिस इज़ फॉर पंछियों के लिए, जो हम पानी रखते हैं या फिर खाना रखते हैं उसके लिए है। ये रोटी के लिए तवा। ये सारे बड़े बड़े बर्तन बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। ये कोई बर्तन है जो मेटल का बना हुआ है। यहाँ पर वैसे गाय भी रखी हुई है और इनका जो दूध है वो यहाँ रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी से छाछ लस्सी वगैरह वो सब कुछ बनता है दूध से। एंड ये विशाल ओपन आर्ट गैलरी है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक्चुअली एक स्पेन की जैसी गैलीज होती है ना, तो वैसा वॉकवे उन्होंने बना के रखा था और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके अभी यहाँ पर उन्होंने गैलरी ओपन की है। और यहाँ से शुरुआत होती है यूटेंसिल्स म्यूज़ियम की। मिट्टी से बने इस हट में पुराने समय के बर्तन रखे हैं जो अपने देश के अलग अलग राज्य से लाए गए हैं। इसमें कई सारे मिट्टी, तांबा, लोहा, पीतल, कांस्य के बर्तन और एंटिक्स है। ये मुझे यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और समथिंग यू नो नायाब चीज़ लगी, दिस थिंग। ये डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, हर एक में कुछ अलग चीज़ रखने के लिए आई थिंक। यहाँ कुल मिला के कुछ 4000 यूटेंसिल्स हैं जो 1986 में यहाँ से रशिया लेकर गए थे एग्जीबिशन के लिए। और ये म्यूज़ियम भारत का एकमात्र यूटेंसिल्स म्यूज़ियम है। वॉच टावर जैसे दिखने वाली ये चीज़ एक चबूतरा है जिसमें कबूतरों को खाना रखा जाता है। अहमदाबाद शहर में घूमते हुए कई जगह आपको ऐसे नक्शेदार चबूतरे दिखाई देंगे। ये बहुत ही बड़े बड़े ताले हैं जो कि किले के दरवाजे को इस्तेमाल किए जाते थे। ये सारी मेटल की जितने भी लॉक्स वगैरह है और भी कुछ चेन्स एंड ऑल, उससे बनाया हुआ ये हॉर्स। यहाँ पे अभी अभी बेल बजी है, आई थिंक दिस इज बिकॉज 4 बजे है अभी शाम के। व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग, आई डोंट नो, इसे खोल के देखना पड़ेगा। लेट्स सी गाइस,
इनकी यहाँ पे ऐसे, दिस इज द साइड, और यहाँ नीचे व्हील भी है, पीछे साइड से ये बंद है। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ दरवाज़ा है। दूसरे वाले उसमें भी सामान रखा हुआ है, सेम वैसा ही कंपार्टमेंट है। तीनों साइड से बंद और सामने से दो दरवाजे इसके। हाँ, सामान सिर्फ रखने के लिए। ओके, सो गाइज, अब ये बाहर की ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग हट के अंदर एंटर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो गूगल पे वेचार करके लिखा हुआ है, VECHAAR, वेचार म्यूज़ियम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज़ विचार। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक 30 रुपीज़ का जो टिकट लेना पड़ता है। और अगर आपको इसके अंदर जाके, दिस इज़ द म्यूज़ियम, इसके अंदर हम जाने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसके अंदर की चीज़ों के अगर आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हो तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ एज डोनेशन। एंड अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो देन यू हैव टू पे 500 रुपीज़ एज डोनेशन। सो आई थिंक ये पूरे ज़िंदगी भर की ये कमाई है, यू नो, कलेक्शन है जिन्होंने, मिस्टर पटेल जो इसके ओनर है। तो आई थिंक दैट्स नॉमिनल, वेरी यू नो लेस अमाउंट, क्योंकि इन इतनी सारी चीज़ों का मेंटेनेंस करना है, इतनी सारी चीज़ें संभाल के रखनी है, फिर यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं, और कुछ भी करना हो तो उसके लिए मेंटेनेंस तो होता ही है। तो आई थिंक दैट इज़ वर्थ, सो लेट्स गेट इनसाइड। तो ये है सारी नैसर्गिक चीज़ों से बनाई हुई गांव के जैसी मिट्टी की झोपड़ी, जिसके बीच में ओपन एरिया है, जिसमें खूबसूरत फाउंटेन गार्डन बनाया है और बीच में शिव जी का मंदिर। अंदर आने के बाद क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड से आप म्यूजियम देखने की शुरुआत कर सकते हैं। इन वाटर कंटेनर्स को हिंदी में गंगाल तो मराठी में घंगाल कहते हैं। इसे गुजराती में क्या कहते हैं? तांबा कुंडी। और इस बर्तन को कौन नहीं जानता, इसमें कान्हा स्पेशल मक्खन जो बनाया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल होता था? बकरी के दूध के लिए। अच्छा, बकरी के दूध के लिए। लात मारेगी तो भी वो गिरेगा। अच्छा। अच्छा, गोडाउन में सब बैठ जाते हैं। तो बस खाली, मतलब वो उसमें उसके नीचे आँच होती थी? नहीं, चूरमा रखते थे अंदर। अच्छा, लड्डू बना बना के सब रखते। ये लकड़ी का बना हैंगिंग स्टैंड है जो पगड़ी रखने के काम आता था, अलग अलग कमर पे रखने के, शोल्डर पे रखने के, इसको यूं कमर पे रखते थे, इसको यूं हाथ में रखते थे। इसके वेट के हिसाब से ये लॉक हो जाता था। ओके। और साथ में छोटा बच्चा भी लेना हो भी ले सकते थे, और दूसरा बीड़ा लेना हो तो भी ले सकते थे, और सर पे लेना हो तो भी ले सकते। अच्छा, उसका गर्दन के यहाँ पे जगह ज्यादा होने की वजह से लॉक हो जाता, आसान के वेट के, इसमें पानी भरते वेट होता है, इसके वेट के हिसाब से ये लॉक हो जाता है। ओके। खेतों में खाना ले जाने के लिए यूज होता था, ट्रैवलिंग में खाना ले जाने के लिए यूज होता था, और वो टाइम पे पैसे रखने के यूज में भी आता था। सही है। पीछे और शायद इन्हीं में ज्वेलरी भी रखी जाते थे, ज्वेलरी रखने के भी काम आता था। पीछे जब सर्विंग ट्रे, पीछे वाले दीवार पे ज्वेलरी, इनमें से कोई एक खोल के दिखा सकते हैं आप? सब पांडा ने
पूरा घुमाना है ये? आधा ही घुमाना है। अच्छा ओके। इसमें रहेगा चूना? इसमें चूना रहेगा। इसमें सुपारी, काठा, लौंग, इलायची और हाँ। अंदर पान रखते थे। ओके, तो ये अभी निकलेगा ये? नहीं निकलेगा, टाइट हो गया है, टाइट हो गया है। निकल रहा है? टाइट हो गया है, नहीं ये आएगा। ट्राई करो ना थोड़ा सा, मेटल ये टूटेगा तो नहीं? नहीं, भाई मुड़ जाएगा। ठीक है ठीक, कोई नहीं, फिर से लॉक कर लिया। और ये जो सामने सेम वैसा ही है, वो हेवी है, वो और भी अच्छा है, वो तो वो नहीं निकालते, वो नहीं निकालते, उसको नहीं टच करते। और ये चीज क्या है? ये पारसी लोग यूज करते हैं, उनके वहाँ शादी हो ऐसा कुछ होता था हाँ। तो गेस्ट आते थे तो उसमें मिठाई रखते उनका स्वागत करने के लिए। ओ अच्छा, इसे क्या कहते हैं? समरकंद। समरकंद, समरकंद उज़्बेकिस्तान का, वो लोग भी समरकंद ही कहते हैं। ईरान इराक में गेस्ट आते हैं तो हाथ धुलाने के लिए यूज होता है। इतने छोटे छोटे जो है उसका भी संबंध वाले पात्र है, कई हाथ धुलाने के यूज भी आता है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी यूज करते थे। ये सब वाड़ी है, गुजराती में टोइली बोलते हैं उसको। शादी होती है तो शादी में ऐसे कंसार में घी परोसने के लिए, घर पे गेस्ट आते हो तो घी परोसने के लिए, और तो बच्चों को फीडिंग में भी यूज होता है। करेक्ट, तो उसकी मतलब खोल छोटा होने के वजह से थोड़ा थोड़ा आएगा बाहर। और वो टाइम तो कैसा होता था पहले, जब गेस्ट घर पे आते थे जब तक गेस्ट ना नहीं बोले तब तक घी परोसते ही रहना। करेक्ट, हाँ तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा जाए। वो सेब से छोटी बड़ी है सब, सब गंगा जल के कलश है। बहुत अलग अलग है, मतलब छोटे से लेके सब साइज बड़े तक। साउथ के लिए हाँ, कोई भी होल आपको छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, आगे पीछे नहीं दिखेगा, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मतलब वो पानी का डाल के इसके अंदर आ जाएगा नीचे, वैसा ही वो छोटा वाला भी सेम है ना? ये मुझे पता है क्या है। आज मुझे आप पूछ नहीं सकते कि ये क्या है। तो ये बेसिकली एक हेयर पिन है, लेकिन इसे लगाते कैसे होंगे बालों? जुड़ा, बालों का जुड़ा बांधते थे और फंसाते थे उसको। ओके, वो टाइम पे बाल भी घने रहते थे। और मतलब ये ज्यादातर जो जंगल वगैरह साइड में लोग होते थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। खाना बना पकाने के लिए लकड़ी घास लेने जाना पड़ता तो जानवर अटैक करता तो सेफ्टी में भी यूज करते थे। करेक्ट, घनश्याम महाराज का मंदिर है, नारायण भगवान का। ये माण है, माण वाटर स्टोरेज के यूज भी आता था, और रात को वो लोग संगीत वगैरह करते तो हाथ में अंगूठी पहन के उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तरीके से यूज करते। वो वाला बहुत अच्छा है, वो बजा के बताइए। वो भी वही है, ये सब हुक्का, खरल और चिल्लम है। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। ये क्या चीज है यहाँ पे जो वो चिमटा है? वो हुक्के में कोलसा रखने के लिए। अच्छा, हुक्के में जो इस्तेमाल होता होगा ये उसके लिए। पानी ले जाने के सब पात्र है। जैसलमेर का सीन, रेगिस्तान में ऊँट पे ऐसे पानी के मशक देखने मिलते थे। अच्छा, ये जो हैंगिंग में जो रखे हुए ऐसे वाले हाँ, नीचे वो साधु संत लोग हाथ में लेके जाते थे वो सब कमंडल, कमंडल है। ये सारे लॉक्स, इनका नंबर वगैरह मतलब कुछ कोड वगैरह होता था या
कोई भी है जो अभी भी आप दिखा सकते हैं, पैटर्न थी जिसका यूज आप दिखा सकते हो कि दो चाबी लगने के बाद ही ये घूमेगा वगैरह। ये ताला है, खोलो आप। अच्छा, मुझे इसका कहाँ डालना है ये भी ढूंढना पड़ेगा। ये निकालना है इसको यहाँ से। ये चाबी से नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा खुला है ना, तो इसके लिए समझ में आ गया। बाकी ये चाबी से ही ओपन होता था, की से ही ओपन होता था। इसको यूं प्रेस करते थे यहाँ पे, फिर ओपन होता। ओ, ओके। चलो ये खोलने के बाद भी खोलो ताला। जाओ मैं को। अब अगर ये लगाया है तो कोई जोर नहीं लगाना, एकदम सिंपल ही खुलेगा। ये दबाना नहीं, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये बंद हुआ। इसको ऐसे ओपन करते थे। ओके। नहीं, यूं आटे करते हाँ। खोलने के लिए इसके उल्टे आटे थे। एक बार करना चाहिए था। लॉक हो गया, जब सीधा करेंगे तो लॉक हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो खुलेगा। ओके। और ये जो बड़े बड़े हैं जिसमें दो चाबियां लगी हुई है, कि खाली एक चाबी के ये खुलेगा नहीं, ऐसे कुछ नहीं, दो चाबी से, दो चाबी वाले नहीं खुलेंगे, एक चाबी वाला ये खुलेगा। ये भी उल्टा खुलेगा हाँ। वो सीधा है, वो उधर। खुल गया। ओ, खुल गया। और अभी बंद हो गया। कितना हेवी होगा ये? अरे बाप रे, बहुत हेवी है। और ये सारे अड़कित्ते सब? हाँ, अड़कित्ते सब। एक इंच का दिखा ना था हाँ, घुंघरू वाला भी अड़कित्ता है। बाप रे।